दिल्ली में कर्नाटक के चुनाव की खबरें आती रहती हैं और दिल्ली में खबर ये आती थी कि कर्नाटक में भाजपा की हवा चल रही है, लेकिन आज कर्नाटक की मेरी पहली जनसभा में देख रहा हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की हवा नहीं, आंधी चल रही है, आंधी। 28 अप्रैल की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है, क्योंकि हमारे इन मेहनत कश लोगों ने कठिन से कठिन इलाकों में संकट झेल झेल कर पे बदत 12-12 लोगों ने ट्रांसफार्मर उठा करके, बड़े बड़े पिलर उठा करके, पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच पहुंच करके देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। और इसलिए मैं देश के मजदूरों का, कामदारों का, इन मेहनत कश लोगों को आज प्रणाम करता हूं। मैं जरा पूछना चाहता हूं, हमारे आने से पहले सोनिया जी की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और मनमोहन सिंह जी ने 2005 में कहा था, जरा हमें सवाल पूछने से पहले नेताजी जरा जवाब दीजिए, 2005 में उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वे देश के हर गांव में 2009 तक बिजली पहुंचा देंगे। मनमोहन सिंह जी की बात नहीं मानते हो, कम से कम आपकी परम पूज्य माताजी की बात तो मानो। आपकी माताजी मैडम सोनिया जी ने 2005 में मनमोहन सिंह जी के भी आगे एक कदम रख के कहा था कि 2009 तक, मनमोहन सिंह जी ने कहा था हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, आपकी माताजी ने कहा था हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, 2009 तक पहुंचाएंगे, 2014 तक आप बैठे थे, मेरे आने तक आप बैठे थे, क्यों काम नहीं किया, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो।